पीएफआई का जांच हो रहा है और पीएफआई के तरह जितने भी संगठन हैं इंक्लूडिंग आरएसएस सब पर प्रतिबंध लगाइए, एकरूपता लगे दिखने को लगे। ऐसा नहीं कि ये फीलिंग जाए कि खास करके मुस्लिम संगठनों को ये तो दुर्गा बहानी भी बनाए थे। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ सियासी पार्टियां, कुछ सरकारों से जुड़े हुए लोग ऐसे लोगों को प्रश्रय भी दे रहे थे, प्रोटेक्शन भी दे रहे थे, और ऐसे ही लोग आज उनके सामने और उनके साथ खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कभी देश की सुरक्षा पर सवाल करेंगे, कभी जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल करेंगे, कभी जो है वो आतंकवादियों के मारे जाने पर सवाल करेंगे, और आज यही लोग उन संगठनों के खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो उसके खिलाफ उसके पक्ष में खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। स्वागत योग्य कदम है केंद्र सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी का आभार कि जिन्होंने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न पीएफआई संगठन पर प्रतिबंध लगाया। ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जो हत्या जैसे जघन्य अपराधों पर देश में चिन्हित किए गए, चाहे केरल की बात करें हम, चाहे हम बात उड़ीसा की करें, कर्नाटक की करें, कई प्रांतों में इनके सबूत मिले हैं, इनके आईएसआई से भी जुड़े होने के प्रमाण और सबूत मिले हैं। ये सब बातें गजट नोटिफिकेशन में हैं। आम जनता को सुरक्षा चाहिए, पर आम जनता ये पीएफआई हो, डीएफआई हो, इस सब से उनको मतलब नहीं, वो तो सुरक्षित रहना चाहते हैं। और अगर इतने दिन ये हो रहा था तो मेरा प्रश्न है आप क्या कर रहे थे, ये साल भर में तो उत्पन्न पैदा नहीं हुई। जो राइट विंग हो, मिडिल विंग हो, सेंटर विंग हो, कोई विंग हो, जो भी रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म की तरफ किसी को लेकर जाता है उसको अपोज करने की जरूरत है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि रेडिकलाइजेशन सिर्फ एक तरफ हो रहा है, नहीं, रेडिकलाइजेशन हर तरफ हो रहा है। ये दिखाता है कि जब पीएफआई जैसे आतंकी संगठन पर ऐतिहासिक और निर्णायक कार्रवाई की जाती है तो उसके बचाव में ये पूरा इकोसिस्टम जाग जाता है, और ये पूरा इकोसिस्टम बार बार आतंकवाद के समर्थन में हाथ अपना आगे कर देता है।